न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सर वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। गोनियों में दर्द से कहरा रही प्रेग्नेंट महिला के लिए देवदूत बनी रेलवे पुलिस, ट्रेन से उतारकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित। रविवार 19 जून को चलती ट्रेन के कोच नंबर 6 में प्रसव पीड़ा से कहार रही लड़की महिला देखकर ट्रेन में सफर कर रहे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के ठाकुर आशुतोष सिंह ने करनी सेना गोंदिया टीम को जानकारी देते बताया कि गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से कहार रही है, उसे गोंदिया उतारने अति आवश्यक है तथा इस संदर्भ में टीसी ने भी गोंदिया रेलवे पुलिस को प्रस्तुत के बारे में सूचना दी। जब जोधपुर पूरी एक्सप्रेस ट्रेन गोंदिया के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर पहुंची, तब उप निरीक्षक CKP टेंपुरकर ने मार्गदर्शन में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, महिला उप निरीक्षक सोनम, महिला आरक्षण ज्योतिषा बाला एवं बल सदस्यों द्वारा कोच नंबर 6 को अटेंड किया गया तथा प्रेग्नेंट महिला यात्री मिनाती वर्धा 33 ग्राम बालमेश्वर पश्चिम बार उड़ीसा के, इसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से गोंदिया जिला महिला BGW अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा गर्भवती महिला की तत्काल डिलीवरी कराई गई, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। जब जोधपुर पूरी एक्सप्रेस ट्रेन गोंदिया के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर पहुंची, तब उप निरीक्षक CKP टेंबुरकर के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक के संदर्भ में यह कार्य पूरा किया गया। खबर मिलते ही रेलवे पुलिस के साथ सूचना का आदान प्रदान शुरू हो गया तथा आपसी समन्वय से एम्बुलेंस की व्यवस्था के बाद पुलिस जवानों ने कोच नंबर 6 को अटेंड किया। गर्भवती महिला और उसके नवजात को बचाने के लिए रेलवे पुलिस तथा श्री राष्ट्रीय करनी सेना ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। माँ बनना किसी भी विवाहित महिला के लिए सबसे सौभाग्य की बात होती है। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के लिए यह सुकून भरे क्षण है। वहीं सुरक्षित डिलीवरी पश्चात महिला यात्री के परिवार में भी खुशी का आनंद है। जब जोधपुर पूरी एक्सप्रेस ट्रेन गोंदिया के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर पहुंची, तब उप निरीक्षक CKP टेम्पुर नेकर के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, महिला उप निरीक्षक सोनम, महिला आरक्षक ज्योति बाला एवं बाल सदस्यों द्वारा कोच नंबर 6 को अटेंड किया गया तथा प्रेग्नेंट महिला यात्री मिनाती मिर्धा, इसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से गोंदिया जिला महिला BGW अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा गर्भवती महिला की तत्काल डिलीवरी कराई गई, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज़ पर, क्योंकि सच जरूरी है।